क्या आप सोच सकते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति प्लाईवुड से बने बैरल से अंटार्कटिक महासागर पार कर सकता है? जी हाँ, लेकिन 71 वर्षीय जीन जैक्स सविन ने ऐसा करने का निश्चय किया है। कैप्सूल नुमा बैरल में बैठकर यह व्यक्ति 45,000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगा। कैप्सूल नुमा बैरल में कोई इंजन नहीं है, इसलिए सविन इसमें बैठकर हवा और समुद्र की धाराओं की मदद से 45,000 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। मजे की बात यह कि इस बैरल में सोने के लिए बिस्तर है जिसमें खुद को बांधकर सोया जा सकेगा। इसके अलावा किचन भी है, स्टोरेज भी है और बैरल में एक महीने का खाना तथा फल आदि सामान रख लिए गए हैं। सफर में मनोरंजन के लिए बैरल में चारों तरफ शीशे की छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो समुद्री सफर के लाइव टीवी का काम करेगी। बुधवार को एल हीरो कैनरी द्वीप समूह से निकले सविन को सागर की लहरों और हवा की मदद से करीब 3 महीने में कैरेबियन पहुंचने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के दौरान सविन को ट्रैक करने के लिए बैरल में GPS सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा कैप्सूल में उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए उपग्रह तकनीक भी है और इससे पहले सेना में रह चुके सविन 4 बार पाल वाले जहाज से अटलांटिक महासागर पार कर चुके हैं। सविन को इस यात्रा के लिए धनराशि यानी 55 लाख यूरो भी प्राप्त हो चुके हैं। फंडिंग करने वालों में 2 बैरल निर्माता भी शामिल हैं।